हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू साविज रेसिपीज। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही टेस्टी, कलरफुल और फ्लेवरफुल वेज पुलाव की रेसिपी, जिसे आप छोले, रायता या प्लेन कैसे भी खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेज पुलाव बनाना। सबसे पहले यहाँ पर मैं 2 कप बासमती चावल ले रही हूँ। बासमती चावल, इतना चावल 4 से 5 लोगों के लिए काफी होगा। इसे साफ धो लेंगे और इसमें पानी डालकर लगभग आधे घंटे के लिए इसे भिगोने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर इस बर्तन में मैंने उबलता हुआ पानी लिया है, उसमें 1 चम्मच नमक डालकर मिक्स कर लेंगे। अब इसमें यहाँ पर मैंने कुछ फूलगोभी लिया है, गाजर और बीन्स लिए हैं इस तरह से काट के, तो इसे ऐड कर देंगे। ये सारी सब्जियां हमें बहुत ज्यादा ओवर कुक नहीं करना है, इसीलिए सिर्फ गर्म पानी में ऐड करके इसे ढककर साइड में रख देंगे। देखिए, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर ग्रीन पीस है, हरी मटर 1/2 कप, ये भी डाल दिया है और इसे अब ढक कर साइड में रख देंगे। अब यहाँ मैंने चावल का 4 गुना पानी लिया है गरम करने के लिए, इसमें 1.5 चम्मच नमक डाल रही हूँ मैं। चावल का पानी ज्यादा ही लेना है, तभी चावल अच्छे से बॉईल होंगे। और ये देखिए, अब ये बॉईल होने लगा है, इसमें ये 1/2 घंटा जो सोक करने के लिए हमने राइस रखा था ये डाल देंगे। एक बार सिर्फ चला लेंगे और इसे अच्छी तरह से उबलने देंगे। देखिए, चावल काफी ऑलमोस्ट मोर देन 50% कुक हो गया है, इसे थोड़ा सा और पका लेंगे। हमें राइस 100% कुक नहीं करना है, सिर्फ 80% कुक करके उतार लेना है। अब इसमें मैंने यहाँ पर 1 चम्मच लेमन जूस डाला है, नींबू का रस डालने से चावल खड़े खड़े रहते हैं और टूटेंगे नहीं बिल्कुल भी। अब इसे 2 से 3 मिनट और पकने देंगे। ये लगभग 3 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं चावल हमारा ऑलमोस्ट पक गया, बस हल्की सी कसर रह गई है। और आप ये चावल का पानी देख सकते हैं, देखिए किस तरह से धुंधला हो रहा है, मतलब चावल स्टार्च रिलीज कर रहा है। तो इतना काफी है। अब इसका गैस बंद कर देंगे और इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए, मैंने इस तरह की छलनी में निकाला है। आप चाहें तो आप इसका पानी भी, एक्स्ट्रा पानी सिर्फ साइड में निकाल सकते हैं। तो ये पुलाव के लिए बिल्कुल परफेक्ट राइस बनकर रेडी है हमारे, इसे साइड में रखते हैं। अब यहाँ मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई का गैस ऑन कर दिया है। इसमें डालेंगे लगभग 3 से 4 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। इसमें 4, ये देखिए छोटे साइज के तेज पत्ते, और यहाँ पर देखिए लौंग 8-10 काली मिर्च, ये 2 चक्री फूल, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची और इतनी देखिए दालचीनी ली है मैंने, इसे डाल देंगे। अब इसी में 1 छोटा चम्मच जीरा ऐड करेंगे। अब यहाँ पर मैंने 8-10 काजू लिए हैं, वो डालेंगे और हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, हल्का ही, बहुत ज्यादा नहीं करना है। काजू हल्का सा रोस्ट करने से क्रंची हो जाते हैं इसीलिए। अब ये जो सब्जियां हमने गर्म पानी में डाल के रखी थी ना, ये सब्जियां ऐड कर देंगे इसी में। सब्जियों को अच्छी तरह से हमें भूनना है, इसमें लगभग 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ बिल्कुल 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और नमक लेंगे स्वाद अनुसार। चावल में भी हमने नमक डाला है वो याद रखना है, तो स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे मैं ढक रही हूँ, ढक के लगभग 2 से 3 मिनट पकने देंगे। ये लगभग 3 मिनट हो गए हैं और सब्जियां हमारी काफी पक गई हैं। पहले भी हमने गर्म पानी में डाला था तो इतना काफी है। अब इसमें ऐड कर देंगे जो बॉईल करके हमने राइस रखा है, ये राइस ऐड करेंगे। और बहुत ही सावधानी से, धीरे धीरे इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हमें मिक्स कर लेना है। फ्लेम बिल्कुल स्लो रखिएगा और संभाल कर, ताकि चावल टूटे नहीं। आप देख सकते हैं इन सब्जियों की वजह से कलर कितना अच्छा लग रहा है पुलाव का। तो ये अच्छी तरह से सब कुछ मिक्स हो गया है, इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे हम, ढक कर पकने देंगे, ताकि जो खड़े मसाले हमने डाले हैं उनका फ्लेवर पूरा अच्छी तरह से पूरे राइस में आ जाए। तो ये लगभग 2 मिनट हो गया है और काफी अच्छे से खुशबू भी आ रही है, तो बिल्कुल
रेस्टोरेंट स्टाइल आप देख सकते हैं कितना टेम्पटिंग है ये। वेज पुलाव बनकर रेडी है, तो आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में जो बेल बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले। तो ये सर्व कर लिया है मैंने वेज पुलाव। आप इसे गर्मा गर्म छोले के साथ या व्हाइट मटर की करी के साथ या रायता के साथ कैसे भी एंजॉय कीजिए, बहुत पसंद आएगी आपको। तो चलिए अभी के लिए बाय, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।